मेरे को ये चार कैपेसिटर्स दिए हैं, C1, C2, C3, C4, C1 8 माइक्रोफारेड, C2 4, C3 3, C4 6, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट। आई हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। मुझे VA माइनस VB निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले, व्हाट शुड आई डू? माय फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट सी कैपेसिटेंस। हाँ जी पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लूं, उसके बाद चार्ज निकाल लूं, टोटल चार्ज ऑफ द, फिर चार्ज को क्या करूं, डिवाइड कराना शुरू करूं, राइट? यही करना पड़ेगा ना मुझे। फिर मैं चार्ज को डिवाइड कराऊंगी, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ है उसके हिसाब से ये कुछ पोटेंशियल ड्रॉप अपने पास रखेगा। ये दोनों आपस में क्या लगे हैं, पैरेलल में। ये दोनों ब्रांचेस क्या है आपस में, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या रहता है, सेम पोटेंशियल सेम रहता है। तो 12 वोल्ट दिया, 12 वोल्ट C3 C4 वाली ब्रांच में भी आएगा और 12 वोल्ट C1 C2 वाली ब्रांच में भी आएगा। अब उस 12 वोल्ट में से कितना वोल्टेज ड्रॉप C1 ने अपने पास रखा, लेट सपोज x अपने पास रखा, तो बचा हुआ 12 माइनस x a के पास जाएगा। ये बात समझ में आती है? आई एक रिपीट बार वन दोबारा बताना। बोल रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज मुझे ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला मेरे पास दो ब्रांचेस हैं, 1 और 2, है ना? अब ये दोनों क्योंकि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। 12 वोल्ट लगाया है तो 12 वोल्ट इस ब्रांच को भी मिलेगा और 12 वोल्ट इस ब्रांच को भी मिलेगा, दोनों ब्रांचेस को 12 12 मिलेगा। ये जो मेरा C1 है ये कुछ पोटेंशियल अपने पास रखेगा, क्योंकि सीरीज में तो क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है। सीरीज में तो क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है ना। दोनों आपस में क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे। तो C1 अपने पास कुछ पोटेंशियल रखेगा और बचा हुआ पोटेंशियल किसको देगा, आगे जाएगा। तो जो आगे जाएगा वो VA हो जाएगा। सिमिलरली C3 से माइनस होने के बाद, लेट्स सपोज 4 वोल्ट C3 ने रखा तो 12 में से 4 रख लिया, 8 आगे गया तो 8 वोल्ट आ गया VB। मुझे VA माइनस VB निकालना है, दैट्स व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो सबसे पहला काम इज टू फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट। लेट्स फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट। चलिए जरा निकालना शुरू करिए सी इक्विवेलेंट। C1 और C2 आपस में क्या है, सीरीज में है, तो क्या होगा, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4, सो इट विल कम आउट टू बी 2 + 1/8 विच इज 3/8 और CS इज इक्वल्स टू 8/3 माइक्रोफारेड। ये तो ऊपर वाली ब्रांच का आ गया। नीचे वाली ब्रांच को निकालोगे, क्या करोगे, CS prime is 1/C3 plus 1/C4 which is equals to 1/3 plus 1/6 which is 6, 2 + 1 that is 1/2 और CS prime is 2 माइक्रोफारेड। नेट सी इक्विवेलेंट क्या होगा, CS plus CS prime which is equal to 8/3 plus 2 which is 6 + 8, 14/3 microfarad। ये मेरी equivalent capacitance। Yes, Kartik, your answer was correct. It's 14/3 microfarad। सब लोग यहां तक पहुंचते हैं? हाँ जी, सब लोग यहां तक पहुंचते हैं equivalent capacitance तक? हाँ जी मैम, आ गए। Equivalent capacitance तक पहुंचते हैं? Equivalent capacitance comes out to be 14/3 microfarad। ये 3 था, एक 6 था, एक 8 था, एक 4 था। Yes, यहाँ तक पहुंचते हैं हम सब? Yes ma'am। ओके, चलिए अब जरा डिवाइड करिए चार्ज। अब अगर मेरे पास सी इक्विवेलेंट है और बैटरी है तो कितना चार्ज मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा वो मुझे देखना है। वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है, मुझे लग रहा है 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से कितना चार्ज ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा वो इसी से ले ले, मुझे टोटल चार्ज की जरूरत ही नहीं है। इस ब्रांच की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 8/3 है और 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इस ब्रांच में अगर मैं इस ब्रांच को PQ नाम दे दूं और ये RS लिख दूं, तो इन ब्रांच PQ चार्ज कितना होगा,
इज इक्वल टू सी वी, सी एस इंटू वी, सी एस कितना है 8/3 इंटू 10^-6 इंटू 12 volt. सो दिस कम्स आउट टू बी 4 × 32 microcoulomb. चार्ज आ गया 32 microcoulomb. Yes, ma'am. ये समझ आता है, पहले वाली ब्रांच में 32 microcoulomb चार्ज आता है सबका. हाँ जी मैम. 32 microcoulomb चार्ज से C1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप C1 के अक्रॉस क्या होगा? V1 = Q/C1. चार्ज है 32 × 10^-6 और C1 की वैल्यू कितनी है 8 × 10^-6 विच इज इक्वल टू 4 volt. तो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दैट कम्स आउट टू बी 4 volt. इज इट क्लियर? जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज पूछो मैम. हो गया. अब ऐसी चारों चार्जेस के लिए निकालना? नहीं नहीं निकालना चारों के लिए, क्योंकि मुझे एट तक जाना है ना. अब अगर 12 वोल्ट मैं इस ब्रांच को दे रही हूँ, 4 वोल्ट C1 रख रहा है, तो VA कितना हो गया? VA is equals to 12 minus 4 हो गया ना, क्योंकि क्या हुआ ही आगे जाएगा 8 वोल्ट. ये मेरा पहला काम खत्म, VA आ गया. अब निकालिए VB. VB कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे VB भाई? इस ब्रांच के पास कितने हैं? 12 वोल्ट है. इस ब्रांच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? 2 microfarad है. तो निकालो इस ब्रांच का चार्ज. इन ब्रांच RS चार्ज इज इक्वल टू CS' × V और CS' कितना है 2 × 10^-6 × 12 विच इज इक्वल टू 24 microcoulomb. इस ब्रांच का भी चार्ज आ गया मेरे पास 24 microcoulomb. अब इस 24 microcoulomb की वजह से C3 पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C3 इज V3 इज इक्वल टू Q/C3. चार्ज कितना था? 6 volts. C3 कितना है 3 × 10^-6 which is equals to कितना आ गया? 8 आ गया. हाँ 8 आ गया. अच्छा 8 volt. तो V3 ने कितना potential drop लिया? 8 volt. कितना potential drop लिया? 8 volt. अगर V3 8 volt है तो VB क्या होगा? अगर V3 8 volt है, 12 volt चला था, तो VB क्या होगा? VB is equals to 12 − 8 which is 4 volt. अब VB क्या आ गया? 4 volt. VB 4 volt, VA 8 volt. मुझे क्या निकालना था? VA − VB. So what is VA? 8 − 4 which is equals to 4 volt. So VA − VB is 4 volt. Is it clear? या दोबारा समझाऊं ये numerical? पेपर में अगर कुछ आएगा तो ऐसा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. फिर कोई स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, मेरी वीडियो ब्लर है. जी क्या कोई स्क्रीनशॉट किसी को बोल दो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में. यस प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू द ग्रुप. आई हैव डन द रिकॉर्डिंग एज वेल सो डोंट वरी, आई विल शेयर इट विद यू. शैल आई रिपीट द न्यूमेरिकल? समझ आता है सबको?